ज्योति विश्वकर्मा आपके होस्ट और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल यस डेला न्यूज में। दोस्तों को बता दूं कि बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर अपने कमर कस ली है। आपको बताना चाहूंगी कि कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म का नाम है धाकर, जिसके लिए उन्होंने कमर कस ली है और वो पूरी जी जान से इस फिल्म की शूटिंग के लिए भी जुट चुकी है। आपको बताना चाहूंगी कि इस फिल्म की शूटिंग कोरोना काल की वजह से रुक गई थी, हालांकि अब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और ये जल्द ही पूरी भी होने वाली है। आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस फिल्म में यानी कि धाकर फिल्म में जो कंगना रनौत है वो एक्शन अवतार में नजर आने वाली है, जिसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत भी कर रही हैं। उन्होंने कई दफा सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस भी शेयर की है, जहां पर वो एक्शन अवतार करते हुए नजर आ रही है, एक्शन स्टंट करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे दोस्तों को बताना चाहूंगी कि हाल ही में कंगना रनौत यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म धाकर के कुछ पोस्टर्स रिलीज किए थे और जहां पर उन्होंने ये जानकारी दी थी ऑडियंस को कि वो 1 अक्टूबर को अपनी फिल्म धाकर को रिलीज करने की तैयारियों में हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि कंगना रनौत 1 अक्टूबर को ये फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है कि वो चाहती है कि 1 अक्टूबर को उनकी फिल्म धाकर रिलीज हो, ऐसे में जो ट्रेड पंडित थे वो अंदाजा लगा रहे, उनका ये मानना है कि धाकर फिल्म इस साल के अंत तक रिलीज नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले से इस फिल्म की शूटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो वही दूसरी ओर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कई बड़े बड़े अभिनेता हैं जिनकी फिल्म में पूरी तरह से तैयार है, बस वो रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों को बता दूं कि ट्रेड पंडितों का ऐसा मानना है कि रणवीर सिंह की फिल्म जो 83 है और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी, ये दोनों ही फिल्मों में से कोई एक फिल्म धाकर के रिलीज डेट चुन सकती है। ऐसे में से अगर कोई फिल्में एक साथ रिलीज होती, यानी कि अगर सूर्यवंशी के साथ धाकर रिलीज होती या फिर फिल्म 83 के साथ अगर धाकर रिलीज होती है, तो ऐसे में से धाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे, क्योंकि ऑडियंस जो है वो फिल्म 83 और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसे में कलेक्शन के मामले में जो धाकर फिल्म है उसे अपने औंधे मुंह गिरना जरूर पड़ने वाला है। दोस्तों को बता दें कि एक सूत्र ने बताया एक पोर्टल से कि धाकर फिल्म को लेकर कंगना रनौत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो अपनी रिलीज डेट को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती है। हालांकि अगर कोई दूसरी बड़ी फिल्म भी रिलीज होती है, लेकिन फिर भी कंगना रनौत टस से मस नहीं होने वाली है, वो अपने तय समय के हिसाब से ही अपनी फिल्म यानी कि धाकर को रिलीज करेंगे, क्योंकि कंगना रनौत के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि कंगना रनौत ने इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए वो किसी और फिल्मों के लिए अपनी धाकर को पोस्टपोन नहीं करने वाली है रिलीज के मामले में। वही दोस्तों को बता दूं कि कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें ऑडियंस बेहद ज्यादा पसंद करते हैं, वो उनकी फिल्मों को लेकर ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं। वही दोस्तों को बताना चाहूंगी कि कंगना रनौत की जो भी मूवीज होती है वो खुद अपने उनका पूरे मूवी का जो भार है वो अपने कंधों पर संभालती है, ऐसे में ऑडियंस उनके इस अंदाज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेल ऑडियंस जो है वो कंगना रनौत की फिल्म धाकर को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों क्या आप भी एक्साइटेड है कंगना रनौत की फिल्म धाकर को लेकर, यानी कि फिर आपको क्या वाकई लगता है कि अगर ये जो फिल्म है कंगना रनौत की यानी कि जो फिल्म है धाकर, वो अगर फिल्म 83 और सूर्यवंशी के साथ रिलीज होती है तो इसका क्या असर पड़ेगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल यस डेला न्यूज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।